तो दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लर्न विद मनीष चौधरी में। दोस्तों जैसा कि कल आपने देखा कि जूनियर मैनेजर सिविल एंड मैकेनिकल का जो रिजल्ट आया था, सिमिलरली आज जो है जूनियर मैनेजर OPNBD का जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। उसकी जो लिंक है PDF का वो मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, साथ ही साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, उससे आप टेलीग्राम जो है चैनल ज्वाइन कर लेना। ओके, एंड देन हम बात करें कि ये लिस्ट है किस हिसाब से प्रिपेयर की हुई है। तो देखो ये जो लिस्ट है अभी मेरिट के हिसाब से प्रिपेयर की गई है, यानी कि आपका जो नंबर आया है पेपर में, ठीक है, उसके हिसाब से ही अभी लिस्ट बनाई गई है। ये लिस्ट फाइनल नहीं है, आपको भी पता है। इसके बाद DV जब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में जो आपके मार्क्स आएंगे उसके बाद में जो है फाइनल जो है मेरिट प्रिपेयर की जाएगी। सो अभी ये है प्रोविजनल है, यानी कि अभी जो आपकी CBT 1 के बेसिस पे जो मार्क्स हैं उनके आधार पे जो है ये मेरिट बनाया गया, इन ऑर्डर टू मेरिट, यानी कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। सो जिसके रैंक 1 है उसने ऑब्वियसली CBT 1 में सबसे ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो ये मेरिट के हिसाब से अभी लिस्ट है, ये चेंज होगी कब, जब इंटरव्यू हो जाएगा उसके हिसाब से। जो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो डेफिनेटली ऊपर अपनी जगह बना पाएंगे। सो आप जितने भी जूनियर मैनेजर OPBD के एस्पिरेंट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं उनको बधाई, और आप इंटरव्यू के लिए अच्छी प्रिपरेशन करें। साथ ही साथ जो दूसरी पोस्ट है, बाकी पोस्ट है, उसका भी रिजल्ट जो है डिक्लेयर होने वाला है, वीक के एंड में सारों का रिजल्ट आ जाएगा। ओके, सो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो को लाइक भी जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जैसा हमने बताया था कि इंटर क्लस्टर का आने के बाद ये रिजल्ट भी आने वाला है, एंड OPBD के सारे जो है वो निश्चिंत हो जाएं, सबसे ज्यादा लोग उन्हीं के हैं, तो आपका भी रिजल्ट जल्दी आने वाला है और बाद में भी जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी सारी जल्दी। सो अभी अगले स्टेप के लिए आप सारे तैयार रहें, और PDF का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो इसी हिसाब से बने रहें चैनल के साथ, और बहुत सारे अपडेट्स जो भी होंगे मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा।